हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, टॉपिक चल रहा है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इन सभी का अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। और व्यंजन संधि के जितने भी रूल होते हैं सबको बना के वीडियो उसका भी अपलोड कर दिए हैं। आज का लास्ट टॉपिक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसको पहले देख लेते हैं कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो विसर्ग संधि बनती है। आपको बता दें कि जमा के पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद स्वर रहे या व्यंजन रहे, तो इन सबके मेल से क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि। अब देख लेते हैं इसका, आपको नियम बता दें, तीन से चार नियम है, इसके बाद विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इसका शॉर्ट सूत्र निकाल के आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए, पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग का ओ हो जाना, मतलब विसर्ग का ओ हो जाना। अब कैसे, इसको देख लेते हैं। जब विसर्ग रहे उसके बाद स्वर, स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का, जैसे जैसे का खा गा घा, इसका जो है तीसरा वर्ण, स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए और पांचवा वर्ण हो जाए, या फिर या रा ला वा, ये सब जब इतने वर्ण आए विसर्ग के बाद, विसर्ग जमा के बाद जब स्वर आए या तीसरा चौथा पांचवा आए वर्ण का, या रा ला वा आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब कैसे, आपको उदाहरण में दिखा देते हैं। उदाहरण है जैसे मना जमा जा, तो मैंने क्या कहा कि इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का हो जाएगा ओ। तब आप इसको कैसे लिखेंगे, मनो जमा जय, तो क्या हो जाएगा, मनो जमा जय, तो ये हो जाएगा मनोज, ये हो जाएगा मनोज, आप इसको देख सकते हैं। एक और बताते हैं पहले, वया जमा वृद्ध, वया जमा वृद्ध, तो मैंने क्या कहा था कि इस विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो पहले आप इसको ओ बना दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वयो, वयो, अभी ओ की मात्रा या पे चढ़ गया, इसके बाद जमा के बाद वृद्ध, इसको वृद्ध कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, वयो वृद्ध, वयो वृद्ध, ये हो जाएगा आपका, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल की पयो, पयोधर, पयोधर को पहले संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा पया जमा धर। मैंने क्या बताया था कि इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का हो जाएगा ओ, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, पयो जमा, और ये वाला जैसे है वैसे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा धर, ये हो जाएगा पयो धर, ये हो जाएगा, लेकिन शुद्ध होता है पया जमा धर, ठीक। अब यशोदा का आपको बता दें कि यशोदा का कैसे बनता है, तो यशोदा का बनेगा पहले संधि विच्छेद होता है इसका, यशः जमा द, यशः जमा द, अब इसका विसर्ग का मैंने क्या बताया था, ओ हो जाता है, तो ये हो जाएगा ओ। अब कैसे बनेगा, यशो जमा द, तो ये हो जाएगा यशोदा, और संधि विच्छेद होता है यशः जमा दा, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मनोरंजन का, एक और बता दें, मनोरंजन का कैसे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मनह, क्या हो जाएगा, मनह, मनह जमा रंजन, ये हो जाएगा मनह जमा रंजन। अब विसर्ग का ओ कर देंगे तो ये हो जाएगा मनो जमा रंजन, जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मनोरंजन, वैसे मनोविज्ञान का है ये, आप खुद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं नियम, नेक्स्ट नियम है विसर्ग का रा होना, क्या होना, विसर्ग का रा हो जाना। अब आपको बता दें कि जब सूत्र क्या कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ ना आए, उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे छोटा उ बड़ा उ ई ओ ये सब आ जाए तो रा का, तो विसर्ग का रा बन जाएगा। लेकिन जमा के बाद क्या होना चाहिए, स्वर हो, कोई भी सात स्वर हो, वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा ये जरूर हो, तब विसर्ग क्या का क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का हो जाएगा रा। अब दिखा दे पहले आपको एग्जांपल, दूह जमा बल, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे छोटा उ है, ये छोटा उ है जो कि छोटा आ या बड़ा आ के भिन्न स्वर है, तो यहाँ पे
छोटा आ या बड़ा आ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अदर स्वर कौन सा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इसको लिखेंगे तो इसका हो जाएगा, मैंने बताया कि विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, दुर जमा बल, ये हो जाएगा दुर जमा बल, क्योंकि विसर्ग का रा में परिवर्तन हो गया, तो ये हो जाएगा दुर्बल। अब इसको लिख दें, ये रा जो है बा के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन आधा, रा आधा है और बा पूरा है, तो इसको पूरा कर देगा, ये हो जाएगा दुर्बल। वैसे आसी जमा वाद का देख लेते हैं, आसी जमा वाद का क्या होता है, मैंने कहा था कि इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रा, क्योंकि इसके बाद कौन सा स्वर है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई है जो छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर है, और इसके बाद क्या है, वा, आप यहाँ पे वा देख सकते हैं, और यहाँ भी वा है, वैसे इसमें भी बा है, और यहाँ पे यार हला वा बा, इसमें से तीसरा वर्ण है बा, तो अब इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा आसिर, ये रा यहाँ पे जुड़ जाएगा वाद, ये हो गया जमा आशीर्वाद। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आ सी, और ये रा जो है वा पे चला जाएगा, इस पे नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, ये रा इस पे चला जाएगा वा के ऊपर, आशीर्वाद, ये शुद्ध लिखा होता है आशीर्वाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आयुर्वेद, एक हम करेंगे इसके बाद एक आप कर देना, आयुर्वेद का दिखा देते हैं कैसे बनता है, तो आयुर्वेद रा यहाँ पे गया है तो मतलब विसर्ग रहा होगा, तो पहले आप इसको लिख दें आयुर, जैसे है उसका पहले संधि कर दें, आयुर, ये रा यहाँ पे आ गया, इसको आधा करें, वेद, ये हो गया आयुर्वेद। अब क्या करना है, अब इस रा का विसर्ग में परिवर्तन करना है, और यहाँ पे देखिए क्या है, आ आ से भिन्न स्वर है, और इसके बाद वा जो है आपको दिखाई ही थे कि यहाँ पे वा है देखिए, और यहाँ पे आ के बाद आ से भिन्न स्वर भी आया है, अब इसका क्या हो जाएगा, आयु जमा वेद, जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आयुर्वेद। ठीक, अभी एक आप करेंगे, नियम नंबर 3 देखते हैं, विसर्ग का लोप होना, कैसे, छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर आए, उसके बाद रा आए, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है, कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं, निह जमा रोग है, निह जमा रोग, मैंने क्या कहा, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा इसके बाद अगर रा आएगा, यहाँ पे नियम में बताया अगर रा आएगा तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जमा के पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, ठीक, ये छोटी ई की मात्रा, तो इसका क्या हो जाएगा, नी जमा रोग, ये बड़ी ई में बदल जाएगा, अब ये कैसे बदल जाएगा इसको मत पूछना, ये सब नियम है, बदल जाता है ये, क्योंकि निरोग ऐसे लिखा जाता है, निरोग, ये हो जाएगा निरोग, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नीरस का क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि ये बड़ी ई में है तो ये छोटी ई में चला जाएगा, बीसल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा निह जमा रस, नीरस का, ये हो जाएगा नीरस का। अब नीरस में क्या है, जैसे तो मैंने क्या बताया विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये ना का बड़ी मात्रा हो जाएगा, तो नीरस, ये हो जाएगा नीरस, याद रखना, ऐसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक और दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, निह जमा रव, तो इस विसर्ग का लोप होगा और ना पे बड़ी मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी और ये रव, रव जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा नीरव, शायद नीरव मोदी ने विसर्ग संधि पढ़ी थी और उसमें उन्होंने क्या देखा था, विसर्ग, कि अगर विसर्ग लोप हो जाता, भग जाता है, तो मैं बन जाऊंगा नीरव और मैं भी भाग जाऊंगा, याद रखना, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मजाक कर रहा था, वो तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था, तो ये हो जाएगा निह जमा रव का नीरव, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, नियम 4 क्या कह रहा है, नियम 4 में 3 नियम है, आप याद रखना, क्योंकि खट्टी सा, अरे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, 3 है, तो इसलिए नियम 4 में 3 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग का बड़ा सा होना, विसर्ग का बड़ा सा होना, यानी सा होगा, होना कैसे, अगर विसर्ग के बाद चा, छा और सा आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, तो विसर्ग का बन जाता है बड़ा सा। अब इसको आप देख सकते हैं कैसे बन जाएगा, निह जमा चल, क्या हो जाएगा, निह जमा चल, तो क्या हो जाएगा, नि, मैंने क्या बताया था, इस विसर्ग का सा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद चा आया है, चा यहां पे है, इसलिए इसका हो जाएगा सा, निस जमा चल। अब इसको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा सा है, तो ये हो जाएगा नि अधा स चल, ये हो जाएगा निस चल।
चल, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, निह जमा छल, यहाँ पे छा है और यहाँ भी छा है, तो अब इसका देखते हैं मेल कैसे होगा। तो ये हो जाएगा नि, विसर्ग का मैंने क्या बताया था, विसर्ग का सा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा निस जमा छल। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निस छल, क्या हो जाएगा, निश्चल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हरी जमा चंद्र, एक आप बनाएंगे, हरी जमा चंद्र है, यहाँ पे चा है, वहां भी चा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी चा है, तो अब विसर्ग का बड़ा सा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हरी जमा चंद्र। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र, ये हो जाएगा हरीश चंद्र, याद रखना। अब नेक्स्ट नियम बता दें कि जैसे नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि विसर्ग का बड़ा सा होना, विसर्ग का बड़ा सा होना कैसे हो जाएगा, विसर्ग का बड़ा सा यानी मूर्धन्य होना कैसे हो जाएगा, कि जब छोटी ई या बड़ऊ हो उसके बाद विसर्ग और जमा, इस जमा के बाद क्या हो, का खा टा ठा पा फा, ये तीनों हो, ये अक्षर हो, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का बड़ा सा बन जाएगा। कैसे, ये आपको एग्जाम्पल दिखा दें, आप यहाँ पे देखिए छोटी ई बड़ऊ आए, तो यहाँ पे छोटू छोटऊ आया है, और इसके बाद इनमें से देखिए टा आया है यहाँ पे टंकार में, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का बड़ा सा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनुष, सॉरी ये हो जाएगा धनुष, ठीक, इसको आप कर दें जमा टकार, टंकार हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धनु, अब ये आधा सा है तो ये टा पे जाके बैठ जाएगा क्योंकि ये हमेशा बाद में ही जाता है, तो ये हो जाएगा धनुष टंकार, दिख नहीं रहा अब, ठीक है, धनुष टंकार, ये हो गया धनुष टंकार, ये नहीं रहेगा धनुष टंकार। एक और आपको दिखा देते हैं, दुह जमा कर्म, क्या बताया था, ये का है और यहाँ भी का है, इसके बाद यहाँ पे छोटा उक मात्रा है, यहाँ भी छोटा हुआ, अब इस तब क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा खट्टी श्याम यानी मूर्धन्य व्यंजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दुष जमा कर्म, दुष जमा कर्म। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दू और ये खट्टी सा जाके का के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा दुष कर्म, ये ऐसे बन जाएगा दुष कर्म। एक और दिखा देते हैं, एक फिर आप करेंगे, आबिस आबिह जमा कार, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, छोटी ई का मात्रा है, देखिए यहाँ भी मैंने बताया था, यहाँ पे छोटी है, यहाँ भी छोटी मात्रा है, यहाँ का है, यहाँ भी का है, तो इसका विसर्ग में क्या बन जाएगा, विसर्ग का सा बन जाएगा, वो भी आधा सा, तो ये हो जाएगा आबिस आबिस जमा कार। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आबिस, ये खट्टी सजा के का के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा आबिस कार, ये आपका सही हो जाएगा। अब एक आप कर लेना, नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट नियम है कि विसर्ग का सा होना, ठीक है, छोटा सा होना, ये कैसे होगा, अब इसको दिखा देते पहले आपको, जब जमा के पहले विसर्ग हो इसके बाद ता था और सा हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग जो है सा में बदल जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल समझा दें कि निह जमा तेज, यहाँ पे ता है, यहाँ भी ता है, अब इसको देखते हैं कि ता है, इसके बाद विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा सा में, याद रखना, इसका आपको दिखा दे पहले बना के संधि, तो ये हो जाएगा नी और आधा सा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा निस जमा तेज, निस जमा तेज, अब इसको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निस्तेज निस्तेज निस्तेज, ये हो गया निस्तेज, क्या हो गया, निस्तेज। एक और करते हैं, नमः जमा ते, यहां भी ता आया है तो विसर्ग किस में चला जाएगा, सा में, तो ये हो जाएगा नमस, ये आधा सा हो जाएगा ते, तो आप सभी को क्या हो जाएगा, आप सभी के लिए मेरा प्यारा सा नमस्ते, आधा सा ता पे जाके बैठ जाएगा। अब मरुस्थल का देख लेते हैं, मरुस्थल का कैसे होगा, मरुह जमा थल, तो मरु का क्या हो जाएगा, पहले इसका संधि बना देते हैं, तो इसका संधि बनेगा मरुह, क्योंकि ये सा जो है विसर्ग में, विसर्ग से होकर सा बनता है, तो ये चला जाइए, सा जो है विसर्ग में बदल जाएगा, और थल
तब ये विसर्ग में चला जाएगा तो बचेगा थल, तो ये हो जाएगा थल। अब इसको जब जोड़ देंगे तब फिर आपको बता दें तो ये सा जो है किसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे था है ना और यहाँ भी था है, तो ये विसर्ग किसमें चला जाएगा, सा में, तो ये हो जाएगा मरुस। दिखता ही नहीं, मस मरुस जमा थल, ये हो जाएगा मरुस जमा थल। अब इसके बाद जब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मरुस्थल, ये हो गया मरुस्थल। एक फिर आपके लिए, अब इसको हम आपको बता दें, जैसे कि मनाधन ताप, मनाधन ताप का कर देंगे आपको बन जाएगा, तो एक आप खुद कर लेना स्टूडेंट। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए प्लीज आप सभी प्लीज लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आज के लिए जय हिंद जय भारत।